अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सर्ट के अबाउट, CERT बेसिकली ये क्या है, किस तरह से काम करता है और क्यों ज़रूरी है पीपल पर आवर की प्रोफाइल के अंदर, और इसको मेंटेन या इंक्रीज करना कितना बेनिफिशियल हो सकता है आपकी प्रोफाइल के लिए। तो जिस तरह से आप अपवर्क या फाइवर के ऊपर देखते हैं कि वहाँ पे लेवल 1 होता है, लेवल 2, टॉप रेटेड प्लस, इस तरह के कुछ बैजेस होते हैं, इस तरह के कुछ लेवल्स होते हैं जो आपकी प्रोफाइल के अंदर क्रेडिबिलिटी ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से आप ट्रस्टेड नज़र आते हो प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इसके साथ साथ ही आपकी तरफ ज़्यादा बायर्स अट्रैक्ट होते हैं और आपकी रैंकिंग में भी इजाफा होता है। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक ऑप्शन है माय सर्ट रैंकिंग। अभी क्योंकि प्रोफाइल बिल्कुल न्यू है और यहाँ पे हमारा जो सर्ट लेवल है वो 1 है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे टॉप है, राइट। और यहाँ पे देखें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बूस्ट माय सर्ट या क्या क्या चीज़ें होंगी जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो सर्ट है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर डाउनलोड की हुई है, यहाँ से देखें सर्ट इज़ अ रैंकिंग, इज़ अवर ऑफिशियल रैंकिंग एल्गोरिदम, ठीक है। इसके ज़रिए सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सर्ट का मतलब है क्या। सी का मतलब है कम्युनिटी, ई का मतलब इंगेजमेंट, रिपीट यूजर्ज एंड ट्रस्ट। अब कम्युनिटी इज़ द हार्ट ऑफ एवरीथिंग वी डू, इंगेजमेंट इज़ द वे इन विच फ्रीलांसर इंटरेक्ट विद द बायर, रिपीट यूजेज इज़ अबाउट रिटेनिंग बायर्स, कि आप लोगों को क्लाइंट कितनी दफ़ा वापस हायर कर रहे हैं। एक दफ़ा उसने हायर किया, काम करवाया, उसके बाद आपको दोबारा हायर कर लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें ट्रस्ट, अथेंटिसिटी, इंडोर्समेंट एंड वैलिडेशन, जब क्लाइंट आपको 5-स्टार रिव्यू देता है और आपकी ऊपर अच्छे रिव्यूज़ देता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, या जब आप काम डिलीवर करते हैं, तो वो आपके सर्ट लेवल को इंक्रीज़ करता है, राइट। तो ये है टोटल सर्ट, ठीक है। और इसके अंदर जहाँ पे यहाँ पे देखें ये जो मेन पॉइंट है, व्हाट डू वी डिफाइन एज अ हाई क्वालिटी, मतलब सर्ट के अंदर। अब मैंने ये बात तो कर दी कि आप लोगों को कम्युनिटी के अंदर इंगेज रहना पड़ेगा और कंटिन्यूसली बीडिंग करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ ही आपको हाई क्वालिटी वर्क डिलीवर करना पड़ेगा, और ताकि जो बायर्स हैं वो 5-स्टार आपको रिव्यूज़ दें और अच्छे रिव्यूज़ दें और आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग इंक्रीज़ हो और आपका सर्ट लेवल इंक्रीज़ हो। अब यहाँ पे बात आ रही है कि ये कैसे मेजर करेंगे कि ये हाई क्वालिटी वर्क था या नहीं था। तो यहाँ पे देखें कि आपने जो स्किल्स हैं वो क्या हैं, जब आपको बायर रिव्यू देता है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैंशन करता है कि इसका स्किल सेट क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर देखो क्वालिटी ऑफ वर्क, नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स कम्प्लीटेड, कितने प्रोजेक्ट्स आपने अच्छे तरीके से कम्प्लीट किए हैं 5-स्टार के साथ। लेट्स सपोज आपने 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, सारे 5-स्टार के साथ किए हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो आपकी रैंकिंग को बूस्ट करेगा। और अगर आपके ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नेगेटिव रैंकिंग के साथ हैं, 1-स्टार के साथ हैं, 2-स्टार के साथ हैं, तो वो आपकी सर्ट लेवल को कहीं ना कहीं डिक्रीज़ करते हैं, राइट। इसी तरह प्रोफेशनल एबिलिटी, रिस्पॉन्स टाइम, कितनी जल्दी आप क्लाइंट को रिस्पॉन्स करते हैं, रिलायबिलिटी के आप मतलब क्लाइंट के साथ काम करते हैं और उसकी जो वर्क है वो अच्छे तरीके से सबमिट करते हैं, और इसके साथ साथ ही कि किस तरह से आप उसकी जो वर्क है उसको डील करते हैं, अगर विद इन टाइम फ्रेम किस तरह से आप उसको डिलीवर करते हैं, मतलब इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इस सारी चीज़ों को अगर मैं एक चीज़ में बंद करूं वो है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। अगर कोई भी क्लाइंट आपकी तरफ आ रहा है और आप उसको सेटिस्फाई करके भेजते हो हर तरह से, टाइम पर काम डिलीवर करते हो, क्वालिटी वर्क डिलीवर करते हो, वही चीज़ डिलीवर करते हो जो उसको रिक्वायर्ड है, उसके सेटिस्फेक्शन तक आप उसे रिविजन्स देते हो और क्लाइंट आपका बिल्कुल हैप्पी और सेटिस्फाई जाता है और रिटर्न में आपको 5-स्टार रिव्यू देता है, तो ये आपकी रैंकिंग एल्गोरिदम को पिच करेगा और आपका सर्ट लेवल इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोफाइल है वो रैंकिंग्स के अंदर ऊपर आना शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि आप तक ज़्यादा बायर्स पहुँचना शुरू हो जाएंगे। तो ये था बेसिकली एक सर्ट लेवल। तो अभी के लिए आपकी प्रोफाइल का यहाँ पे देखें सर्ट लेवल बेसिक सा है, क्योंकि अभी हमने कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे किया नहीं है, कुछ भी किया नहीं है, तो यहाँ पे हमारी जो सर्ट लेवल है वो बेसिक है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ बूस्ट माय सर्ट, तो यहाँ पे देखें गेट इंडोर्स्ड बाय योर फ्रेंड सर्ट 1 प्रीसिक्विटीज़, टू क्वालिफाई द सर्ट 1 यू हैव टू गेट एटलीस्ट 3 इंडोर्समेंट। अब यहाँ पे गेट इंडोर्समेंट पे क्लिक करेंगे तो आप अपने प्रीवियस क्लाइंट्स को या आउटसाइड क्लाइंट्स हो उनको क्या कर सकते हैं, आप ये भेज सकते हैं, वो आपको यहाँ पे इंडोर्स करेंगे और आपका सर्ट लेवल इंक्रीज होगा, या फिर आप जुगाड़ लगा सकते हैं, यू नो व्हाट। और इसके साथ साथ यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड्स कर सकते हैं, शेयर पीपल
आवर प्रोफाइल, आप इसको सोशल मीडियाज़ के ऊपर शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ काम करने से आपका सर्ट लेवल मज़ीद इंक्रीज़ होगा। बट यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो आपके क्लाइंट सेटिस्फेक्शन ही है। अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है, आप उसको 5 स्टार के साथ अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करके भेजते हैं, तो आपका जो सर्ट लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये था सर्ट, आई होप आपको समझ आएगा। स्टिल इसके रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।